स्पिरिचुअल टीवी, आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। रामू और श्यामू एक गांव में रहते थे। खाने पीने का बड़ा शौक, पर जेब में ठनठन गोपाल, कोई आना नहीं कोई दाना नहीं। जहां कहीं भी अपना किया फेरा फेरी और अपना पेट भर लिया, ऐसे ही उनका जीवन चक्र चल रहा था। पर सबसे बड़ी में बड़ी बात, किसी को ये पता नहीं चल पाता था कि ढगी करता कौन है, ये ढगी करता है श्याम या राम करता है। दोनों ही मिलकर कुछ ऐसा चक्कर चलाते कि पूरी दुनिया उसी में गोल गोल होकर रह जाती। अभी दोनों बैठे कुछ वार्तालाप कर ही रहे थे, अचानक उनके नाक के नथुने फूलने शुरू हो गए। अरे श्याम, तुमको कुछ खुशबू सुनाई पड़ रही है? सुनाई? मुझको तो खुशबू दिखाई भी पड़ रही है। तो क्या दिखाई पड़ा? अरे वो जो कल्लू हलवाई है, बड़ा गोल गोल जलेबी उतार रहा है। आहा हा हा, कैसी गरम गरम जलेबी! ये उसने अपने कपड़े में लिया और गरम कढ़ाई में ये गोल गोल, ये गोल गोल, ये गोल गोल, अब दूसरी लाइन लगा दी। वाह वाह, पूरी कढ़ाई भर गई भैया। अब पलट पलट कर, पलट पलट कर क्या मज़ेदार सेक रहा है, और मज़ेदार जलेबियाँ छुन छुन कर कर ऐसे लग रहा है जैसे नर्तकी कर रही हो। और जैसे ही वो गुलाबी हुई, उसने घी में छान कर और बराबर में चाशनी में डुबो दी, और उसको ऐसे गोते खिला रही है, ऐसे गोते खिला रही है छलनी, जैसे हम और आप गंगा जी के अंदर हर हर गंगे कह के लगाते हैं। अरे श्याम, तुमने तो जलेबियों का ऐसा सजीव चित्रण कर दिया है, अब तो जलेबियों को खाए बिना रहा ना जाएगा। आत्मा ऐसे तड़फ रही है जैसे परमात्मा में लीन होना चाहती है। तो फिर देर काहे की भैया, चलते हैं। दोनों अपना आगे और पीछे होकर चलने लगे। साथ नहीं गए, सबसे पहले रामू पहुंचा और जैसा चित्रण किया था वैसा ही वहां पर पाया। कल्लू हलवाई इतनी सुंदर जलेबियां तल रहा था, और उसके बाद गुलाबी गुलाबी सेकने के बाद उसने अपने चिमटे से पकड़कर चाशनी में बिल्कुल वैसे ही डुबो रहा था जैसे श्याम ने वर्णन किया था। लगता है श्याम को बिल्कुल संजय जैसी दृष्टि दे दी है परमात्मा ने। तभी कल्लू हलवाई बोला, अरे कहिए भगत जी, क्या चाहिए? दूध, जलेबी, पेड़ा, क्या चाहिए? अरे ज़्यादा नहीं, बस ऐसा करो, एक पाव जलेबी का दाम बता दो। एक पाव जलेबी बस 10 रुपया का है, ले लीजिए। हाँ तो फिर दे दीजिए, देर काहे की, बिल्कुल गरम वाली दीजिएगा। गरम गरम जलेबियाँ दोने में रख कर जैसे ही कल्लू हलवाई ने रामू को दी, बड़े आनंद के साथ फूक मार मार कर वह खा रहे थे। अरे भगत जी, आराम आराम से, बहुत गर्म है, चाशनी अगर चिपक गई तो। अरे नहीं नहीं, हम बड़े आराम से खा रहे हैं। और एक तरफ होकर वह आनंद लेने लगे। अब पीछे पीछे कौन आए? श्याम जी। श्याम जी ने कहा, भाई मुझे सिर्फ एक पाव जलेबी का दाम बता दीजिए, ज़्यादा नहीं, 10 रुपया का, तो दे दीजिए। तुरंत उसने भी दोने में भरी और एक तरफा होकर वह भी खाने लगा। जब खा चुके राम जी, तो कल्लू हलवाई बोले, हे पैसा दे दीजिए। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं कल्लू हलवाई, सुबह सुबह भांग चढ़ाई है क्या? जैसी ही जलेबी ली तैसी ही मैंने 10 रुपया दे दिया था। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं, पहली बोनी मेरी आपसे ही हुई है, देख लीजिए गल्ला खाली है। ये मुझे नहीं पता, मैंने आपको 10 रुपया दिया तो ही आपने मुझे जलेबी दी, और इतनी देर से खा रहा हूँ, आराम आराम से खा रहा हूँ, तब तो आपने एक बार नहीं टोका, और अब कह रहे हैं जब मैं खा कर दोना फेंक दिया कि 10 रुपया दे दीजिए। भला कोई बिना पैसे के कोई इस तरह जलेबी देता है? आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं मुझे। दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी श्याम जोर से बोला, अरे भाई तुम अपने झगड़े में कल्लू हलवाई मेरे 10 रुपये मत भूल जाना।
मैंने तो तुरंत दे दिए थे। अब ये जब आपस में झगड़ा कर रहे थे तो श्याम ने भी अपना पत्ता फेंक दिया। तुरंत कल्लू हलवाई बोला, हाँ हाँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, पहले जरा इनसे निपट लूँ। अरे मुझे नहीं पता, मेरा पहले निपटारा करो, मैंने 10 रुपये तुरंत दिए ना आपको। हाँ, अरे आपने नहीं दिए भाई साहब, आपने जलेबी का दाम पूछा और फिर कहा कि जलेबी ऐसी, और मैंने आपको जलेबी दी, फिर आप ऐसे आराम से नहीं खा रहे थे, जल्दी जल्दी खा रहे थे, मुझे लगा आपकी जीभ ना फूक जाए तो मैं आपको टोक रहा था, फिर आप खिसक खिसक के इधर हो गए, आपने पैसे नहीं दिए। अरे कैसे बात कर रहे हो आप, चाहो तो शाम से पूछ लो, शाम भी तो तुरंत आ गया था उसी समय। देखिए भाई, आप दोनों का झगड़ा है, कल्लू भैया मेरे पैसे मत भूल जाना। अरे तुम चुप करो भाई, तुम्हारा सुन लिया मैंने, हाँ दे दिए तुमने पैसे, दे दी, पहले ये बताओ क्या इन्होंने मुझे पैसे दिए। ये श्याम बोला, देखिए राम जी की कसम, श्याम जी को साक्षात सामने समझकर मैं हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ, गंगा जी की कसम खाकर कह रहा हूँ, जैसे पैसे मैंने दिए ऐसे ही राम ने भी दिए। अब तो कल्लू हलवाई कुछ भी ना कह सका, दो जनों की हो रही थी गवाही, जलेबी दी छकवा खिलाई, कोड़ी एक भी गले में ना आई, दोनों ने एक तरफ देखा और दोनों की आंखें मुस्काई और बाय बाय टाटा करके चल दिए।